केटिया का आज पहला क्लास होगा, ठीक है। और मैं सबसे पहले एकदम बेसिक शुरू करूंगा। सबसे पहले तुम केटिया सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर लेना। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको लॉन्च कर लिया है सॉफ्टवेयर को, एंड यहाँ पे स्टार्ट में जाना है, उसके बाद मैकेनिकल डिजाइन, उसके बाद कहाँ जाना है, स्केचर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, और इसमें तुमको कोई भी एक पार्ट नेम देना है। बाय डिफॉल्ट में ये पार्ट 1 2 करके ऐसे आता है, तो बाय डिफॉल्ट में जो है उसी को मैं रहने देता हूँ यहाँ पे फिलहाल, और इसको मैं करता हूँ ओके, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे पास एक विंडो ओपन होके आएगा, और यहाँ पे तुमको कुछ इस तरह से यहाँ पे वो पार्ट नेम लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से तुमको प्लान्स दिखाई देगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे हम लोग को, हम लोग आज आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे स्केचर को, स्केचर में कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे तुमको सबसे पहले प्लान चूज करना होगा। ये एक्स वाई प्लान, ये तुम्हारा एग्जाम में फिर से मैं दिखा दूँ, ये हो गया तुम्हारा वाई जेड प्लान। तुम यहाँ पे देख सकते हो वो कौन सा प्लान, जिस प्लान में हम लोग क्लिक करेंगे वही वाला कलर तुम्हारा उसका चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं जेड एक्स में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जेड एक्स प्लान हो गया। अगर यहाँ पे एक्स वाई में क्लिक करूंगा तो इसी तो एक्स वाई प्लान, या तुम डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस कौन सा प्लान में तुमको ड्रॉ करना है वो प्लान चूज करना है। तो यहाँ से तुम लोग कोई भी एक प्लान चूज कर लो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो भी करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे, चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लान को चूज कर लिया है। यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया तो प्लान सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसी प्लान में मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्केचर, ठीक है। यहाँ पे स्केच, ये आइकॉन तुम देख रहे हो, यहाँ पे स्केच लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्लिक करते ही तुम्हारा स्केचर ओपन हो जाएगा, और यहीं पे हम लोग अपना स्केच ड्रॉ करेंगे। तो स्केच ड्रॉ करने के लिए हम लोग को बहुत सारा टूल्स का जरूरत पड़ता है, जो टूल ऑलरेडी यहाँ पे है, तुमको बाहर कहीं जाना नहीं है। टूल्स जो है तुम यहाँ से भी ले सकते हो, या तो यहाँ पे तुम अगर इंसर्ट में जाओगे और यहाँ पे ये सब वही सब जो टूल्स तुमको यहाँ पे दिख रहा है वही सब टूल्स तुम यहाँ पे भी, यहाँ से भी उसको टूल्स को यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड टूल में ये रेक्टेंगल, ओरिएंटल रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है, वही सब चीज तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये ओरिएंटेड रेक्टेंगल, वही सब टूल यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जो सब टूल यहाँ पे अवेलेबल है, ऑल दोज टूल्स आर, ये जो हमारा इंसर्ट में जाने के बाद तुमको यहाँ से भी ये सब टूल्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया बात। तो चलो भाई हम लोग यहीं से टूल्स को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे जितना भी टूल्स है इन सब टूल्स को यूज करना सीखेंगे, एक एक करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कौन सा टूल में, सबसे पहले आ गया प्रोफाइल। तो प्रोफाइल टूल की मदद से हम लोग सीधा स्ट्रेट लाइन या तो कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैं जस्ट एक बार प्रोफाइल में क्लिक, किसी भी टूल को अगर सिलेक्ट करोगे तो उसका कलर थोड़ा चेंज होगा, देख सकते हो, ठीक है। और उसमें उसके बाद तुम अपना इस, ये तुम्हारा वर्क एरिया हो गया, यहीं पे आके तुम अपना स्केच ड्रॉ करोगे। तो कहीं भी तुम कोई भी किसी भी पॉइंट पे तुम क्लिक कर दो, जैसे मैंने इस पॉइंट में क्लिक कर दिया, तो ये इस तरह तुम्हारा क्या हो रहा है, एक तरह से तुम्हारा स्केच ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तुमको जो भी ड्रॉ करना है बाय डिफॉल्ट में, तो अभी जैसे हम लोग जस्ट पहला पार्ट को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार तुम देखो ये बाय डिफॉल्ट में क्या आता है कि ये जो लाइन तुम्हारा अभी भी एक्टिव है, ये टूल अभी अभी एक्टिव है, इसको तुमको यहीं पे इसको क्या करना है, फिनिश करना है। तो उसके लिए तुम डबल क्लिक कर दो तो यहाँ पे ये हो जाएगा फिनिश, ठीक है। चलो एंड एक बार जब ड्रॉ कर लिया तुमने उसको, अगर यहाँ से तुमको हटाना है तो तुम इस तरह से रेक्टेंगल में इसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे कीबोर्ड में डेल बटन को प्रेस कर दो तो ये हो जाएगा डिलीट, समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग मेन शुरू करेंगे यहाँ से, शुरू करेंगे रेक्टेंगल से। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे नीचे छोटा सा तुमको एक सर्कल, एक एरो दिख रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ और भी टूल्स तुमको एक ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रुप पैनल को तुम यहाँ से मतलब डिटैच भी कर सकते हो, कैसे, बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से साइड में लेके आ जाओ, ये पूरा पैनल यहाँ से हटके आ चुका है, ठीक है। तुम चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि बार बार मुझे यहाँ पे, समझ लो मैंने ये ड्रॉ किया फिर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये एक झमेला होता है बार बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा आसानी के लिए हम लोग इसमें क्लिक करते, इस पूरा का पूरा पैनल को यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से साइड में लेके आओ ड्रैग करके, तो ये तुम्हारा पैनल यहाँ पे आ चुका है, बार बार तुमको यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ चुका है। ड्रॉ शुरू करने से पहले और एक बात है, यहाँ पे अगर ये जो है तुमको दिख रहा है, यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे तुम्हारा पीछे एक ग्रिड व्यू आ जाएगा, तुमको दिख रहा है ना पीछे बहुत सारा इस तरह का बॉक्सेस में ये ग्रिड व्यू, इसको बोलते हैं ग्रिड व्यू। तो अगर इसको तुम अनचेक कर दोगे यहाँ से ये ग्रिड व्यू हट जाएगा, ठीक है ना। चलो
आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने तुमको बोला कि अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ग्रिड व्यू यहाँ पे एपीआर होगा, ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो इसको अनचेक, इसको डिसलेक्ट कर दो। और उसके साथ साथ यहाँ पे और एक चीज है, तुमको देखो यहाँ पे ये जो स्नैप टू पॉइंट ये वाला ऑप्शन को अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, तुम जब भी कोई आइटम ड्रॉ करोगे, जैसे मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और देखो यहाँ पे हर मेरा माउस पॉइंटर को तुम ध्यान दो, वहां पे एक तुमको एक इस तरह का एक सिंबल दिख रहा है प्लस की तरह, जो कि वहां पे बार बार ये मतलब किसी एक पॉइंट में ये क्या हो जा रहा है, थोड़ा समय के लिए पॉज हो जा रहा है, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे इस तरह देखो जहां जहां तुम्हारा इस तरह से ये क्रॉस मार्क है वहीं पे क्रॉस है वहीं पे जाके क्या हो रहा है, पॉज हो रहा है। तो ये हमको ड्रॉ करने में कुछ दिक्कत पैदा कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको अनचेक कर लेंगे। और अगर तुमको अभी देखो ये कहीं पे पॉज नहीं हो रहा है, ये स्मूथली मूव कर रहा है, ठीक है ना। और अच्छा पहले देख लो, उसके बाद पहले देख लो पूरा, मैं एक बार पूरा करके खत्म कर दूं, उसके बाद तुमको तुम लोग उसको रिपीट करना। एंड यहाँ पे अगर ग्रिड व्यू नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर, ये डिसलेक्ट कर दो तो ये ग्रिड व्यू चला जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी पॉइंट पे तुम सिलेक्ट कर लो, कोई भी पॉइंट पे तुम क्लिक कर लो, इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं, हाँ कोई भी पॉइंट पे तुम क्लिक कर लो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, कुछ नहीं एकदम आसान है, ये सब एक बार करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं सब टूल्स को एक बार एक एक करके दिखा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आ गया यहाँ पे ओरिएंटेड रेक्टेंगल, तो इसको अगर ड्रॉ करना है बस वही यहाँ पे सिलेक्ट करो और कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक कर लो, ठीक है, और ये तुम्हारा इसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये भी रेक्टेंगल है लेकिन दिस इज ओरिएंटेड रेक्टेंगल। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट जिसे मैं एक बार फर्क समझा दूं, यहाँ पे मैं फिर से एक बार रेक्टेंगल में आ रहा हूँ, ये रेक्टेंगल का ये फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकेंड कॉर्नर, ठीक है, पहला वाला और सेकेंड में क्या होता है कि फर्स्ट कॉर्नर उसके बाद सेकेंड कॉर्नर नहीं, सेकेंड उसी एक लाइन का सेकेंड पॉइंट, देन ये रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है, ये हो गया ओरिएंटेड रेक्टेंगल। बस समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट कॉर्नर में नहीं आ रहा है, पहले लाइन को ड्रॉ कर लिया उसके बाद रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक हो गया बस। अच्छा चलो ये सबको हम लोग यहाँ से एक बार फिर से डिलीट कर देते हैं, मैंने पहले बोला इसको सिलेक्ट कर लो, उस तरह से यहाँ से डिलीट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे, ये हो गया पैरेललोग्राम, तो इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट, और उसके बाद तुम इसको मतलब क्या होता है कि पैरेललोग्राम में तुम्हारा मतलब इसका फर्क क्या है कि तुम इसको किसी भी डायरेक्शन में इस रेक्टेंगल को मूव कर सकते हो, जैसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, ओके, सो दिस इज पैरेललोग्राम। तो ठीक है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया तुम्हारा, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा ये एलोंगेटेड होल, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और हल्का सा ऊपर या तो किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में इसको तुम माउस को ड्रैग कर दो तो ये तुम्हारा माउस पॉइंटर को, तो ये बन जाएगा एलोंगेटेड होल, ठीक है, डिलीट करते हैं इसको, अगला में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा सिलिंड्रिकल एलोंगेटेड होल, यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, और मैं उसके बाद ये एक सर्कल क्रिएट होगा यहाँ पे, फिर सर्कल का कोई मतलब सर्कल का तुमको एक मतलब लाइन दिखाई देगा यहाँ पे, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट में क्लिक कर लो, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, फिर इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, तुमको वो जो तुम्हारा सिलिंड्रिकल होल बनेगा एलोंगेटेड, वो कितना उसका मतलब लेंथ कितना होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में उसका लेंथ कितना होगा वो तुमको डिफाइन करना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, फिर माउस पॉइंटर को धीरे से ऊपर या नीचे की तरह ड्रैग करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिलिंड्रिकल, क्या हो रहा है ये तुम्हारा सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल, ठीक है, जब खुद करोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ गया की होल, की होल प्रोफाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, उसके बाद तुमको की होल का जो नीचे वाला या ऊपर वाला, ये तुम्हारा नीचे वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट का तुमको डायमीटर डिफाइन करना है, फिर ऊपर वाला पार्ट का, तो मैं नीचे वाला पार्ट को डायमीटर कुछ भी देता हूँ, जैसे इतना सा दे दिया मैंने, और फिर ऊपर जाओ और ऊपर वाला पार्ट में तुमको कितना डायमीटर देना है तुम डिसाइड करो, ठीक है, कम देना ज्यादा देना है, तो डायमीटर पहले ही डिफाइन हो जाएगा, लेकिन तुमको ये कितना इसका लेंथ चाहिए इसका, तो वो तुमको डिफाइन करना है, यहाँ पे समझ में आ रहा है बात, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये तुम्हारा की होल बन चुका है, डिलीट करता हूँ इसको मैं। अगला हो गया तुम्हारा क्या है, ये हो गया तुम्हारा हेक्सागन, तो हेक्सागन के लिए क्लिक करो और कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक कर दो, तुम्हारा यहाँ पे ये हेक्सागन बन जाएगा, सिंपल है, एकदम आसान है, इसको डिलीट करते हैं, अगला पॉइंट में जाते हैं हम लोग। उसके बाद क्या आ गया, ये सेंटर्ड रेक्टेंगल, मतलब सेंटर पॉइंट कोई भी क्लिक कर लो और ये तुम्हारा अपने आप से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, पहले हम लोग लाइन से रेक्टेंगल बनाया था, अभी ये सेंटर पॉइंट से रेक्टेंगल बन रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, सेंटर्ड पैरेललोग्राम, तो समझ में आ रहा है, ठीक है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, सेंटर्ड
पैरेललोग्राम। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम दूसरा कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करते मैंने दूसरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। मतलब क्या होता है कि दो लाइन का जो सेंटर पॉइंट है उसको लेके एक रेक्टेंगल बनेगा, जिसको बोलता है सेंटर्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहीं से तुम्हारा क्या होगा, नेक्स्ट रेक्टेंगल बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और ये देखो यहाँ पे ये बन रहा है सेंटर्ड पैरेललोग्राम। बस समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया सेंटर्ड पैरेललोग्राम। तो चलो यहाँ पे इस प्रोफाइल को, इस ये जो ग्रुप है प्रोफाइल ग्रुप को हम लोगों ने इसको समझ लिया। तो अगला चलते हैं हम लोग, इसको यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे क्या, सर्कल। तो इसको भी मैं यहाँ से सेट करके यहाँ पे ऊपर में लेके जाऊँ और फिर यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले आ गया सेंटर पॉइंट सर्कल, एक पॉइंट सर्कल आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक कर दो, ये बन जाएगा तुम्हारा सेंटर पॉइंट सर्कल। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे थ्री पॉइंट सर्कल। थ्री पॉइंट मतलब एक पॉइंट, दो पॉइंट एंड तीन पॉइंट को लेते हुए ये एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखो सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये हो गया कोऑर्डिनेट्स, ये तुम्हारा एज मतलब हॉरिजॉन्टल एंड ये हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डायरेक्शन में ये कितना दूर में ये मतलब सर्कल बनेगा वो यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुमको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में तुमको कितना डिस्टेंस में इसको ड्रॉ करना यहाँ पे तुमको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया 20 mm इतना में हॉरिजॉन्टल में और मैंने बोल दिया कि 20 mm वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो सर्कल ड्रॉ करेगा उसका रेडियस कितना होगा मैंने बोल दिया कि उसका रेडियस होगा 30 mm। ठीक है, तो इसको ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये बन चुका है। तो मतलब यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है तुम्हारा यहाँ से इतना, यहाँ से तुम्हारा ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट का डायरेक्शन हो रहा है। फिर से मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं एक नया से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा क्लियर हुआ नहीं, तो पहले वाला जो सर्कल से उन सबको मैं पहले डिलीट कर लूँ और फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल में देता हूँ मैं तुम्हारा 10 और वर्टिकल में मैं इसको कर देता हूँ 10। ओरिजेंटल में थोड़ा मैं ज्यादा करता हूँ, इसको मैं हॉरिजॉन्टल में करता हूँ इसको मैं 50 और मेरा जो सर्कल लगा उसका मैं रेडियस कर दिया 10। तो ये देखो दिस वन, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है तो ये सेंटर पॉइंट हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस में आएगा और वर्टिकल में कितना डिस्टेंस में जाएगा वही बहुत आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको अगर तुमको चेंज भी करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, इसका रेडियस का रेडियस चेंज कर सकते हो, सर्कल का जो भी करना है यहाँ से तुम कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया तुम्हारा क्या, ट्राइटेंजेंट सर्कल। ट्राइटेंजेंट सर्कल इसके लिए तुम्हारे पास तीन लाइन होना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल को यूज करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, रेक्टेंगल नहीं मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। और ट्राइटेंजेंट सर्कल मतलब तीन लाइन को टच करते हुए जो सर्कल बनेगा वो होगा ट्राइटेंजेंट सर्कल। ठीक है, तो ये पहला लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन और इन सबको लेते हुए जो सर्कल बनेगा वो होगा तुम्हारा क्या, ट्राइटेंजेंट सर्कल। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अगला पॉइंट नेक्स्ट तुम्हारा आ गया थ्री पॉइंट आर्क। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और उसके बाद ये तुमको थर्ड पॉइंट के, थर्ड पॉइंट कहाँ पे होगा उसके बाद तुम्हारा ये आर्क बन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या रहा है, थ्री पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट्स। तो ऑलमोस्ट सेम ही है इसके जैसे, ये फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट और इसका एक लिमिट होगा, मतलब ये स्टार्टिंग विथ लिमिट, एक लिमिट के साथ होगा इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आर्क। तो ये सेंटर पॉइंट आर्क है, कोई भी सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लो, एक सर्कल बनेगा और फिर उसका तुमको आर्क डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर पॉइंट आर्क। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा, ये सब इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस एक बार करके देखो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं। तो ये वाला ग्रुप हो चुका है, ये ग्रुप भी हो चुका है, थर्ड ग्रुप आ गया तुम्हारा क्या, ये जो ग्रुप आ गया एसपी लाइन। ठीक है, तो एसपी लाइन ग्रुप में हम लोग आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एसपी लाइन को, मतलब एसपी लाइन के मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग इस तरह से एसपी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको कहीं पे अगर क्लोज करना है डबल क्लिक कर दो, यहीं पे ये हो जाएगा फिनिश। फिर से मैं और एक एसपी लाइन में ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पे और एक एसपी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरा दो एसपी लाइन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। चलो, ये जो है ये क्या है कि कनेक्ट, मतलब किसी भी दो एसपी लाइन को ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट इस एसपी लाइन का ये पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और इस एसपी लाइन का ये पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, तो इसने इसको कनेक्ट कर दिया। तुमको अगर इधर से भी करना है, इसका ये पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, ये पॉइंट को सिलेक्ट कर लो और इसका ये पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, ये इसको कनेक्ट कर लेगा। मतलब एसपी लाइन को यह क्या करेगा, सिंपली कनेक्ट करेगा। ठीक हो गया ना, तो ये हो चुका है, इसको भी हम लोग यहाँ से करते हैं डिलीट। हम लोग चलते हैं अगला ग्रुप। तो नेक्स्ट जो ग्रुप हो गया तुम्हारा वो क्या है, ये हो गया तुम्हारा
ये वाला, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ से साइड में लेके आएंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। तो एलिप्स सबसे पहले आएगा क्या, एलिप्स। तो एलिप्स के लिए तुम्हारा पहले आएगा मेजर एक्सिस, पहले मेजर एक्सिस, उसके बाद जो थोड़ा माइनर एक्सिस होगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एलिप्स। उसके बाद पैराबोला, पैराबोला के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक पॉइंट पे सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद तुमको डायरेक्शन पहले डिफाइन करना है कौन सा डायरेक्शन पे तुम्हारा पैराबोला होगा, ठीक है, जो भी तुमको डायरेक्शन चाहिए। और ये अगर ऊपर नीचे करोगे तो थोड़ा ये नैरो एंड ब्रॉड होगा, तो डिसाइड कलर से करना है। फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, तो मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए पैराबोला, ठीक है। उसके बाद आ गया हाइपरबोला, ऑलमोस्ट सेम ही है पैराबोला में। तुम्हारा ये तुम्हारा नीचे की तरह होता है, इसमें तुम्हारा मैं दिखा दूं एक बार, मैं कोई भी पॉइंट में क्लिक करता हूँ तो देखो ये हो गया तुम्हारा हाइपरबोला, ठीक है, ये हाइपरबोला है, ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो लाइन बनता है वो तुम्हारा अंदर की तरह बनता है, और यहाँ पे जो लाइन बनता है वो बाहर की तरह, मतलब ये लाइन का बात बोल रहा हूँ, ये लाइन थोड़ा बाहर की तरह बनता है। तो यही ऊपर नीचे करने से पहले तो ये इस तरह से घुमा के इसका डायरेक्शन डिफाइन कर लो, और ऊपर नीचे करते हुए इसका नैरो करना है कि तुमको इसको थोड़ा मतलब ब्रॉड करना है, तो वो तुम डिफाइन कर लो। उसके बाद कहीं पे क्लिक कर लो, और उसके बाद इस तरह से तुम ये क्या हाइपरबोला को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे कॉनिक। कॉनिक को ड्रॉ करने के लिए तुमको पहले दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक तो लेफ्ट साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो, फिर राइट साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर बीच में से अपने आप से एक लाइन, एक तुम्हारा क्या बनेगा कॉनिक बनेगा, मार्क मतलब आर्क जैसा, ये क्या बनेगा एक कॉनिक हो गई है, ठीक है ना। चलो अगला ग्रुप की तरह आगे चलते हैं हम लोग, ये सबको यहाँ से डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप क्या है यहाँ पे हमारा, सॉरी हाँ, नेक्स्ट ग्रुप हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ये हो गया लाइन, ठीक है। अलग अलग तरह का लाइन होता है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे, सब जगह को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये हो गया लाइन। लाइन ड्रॉ करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी दो पॉइंट में क्लिक कर दो, ये लाइन बन जाएगा, सिंपल बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा इन्फिनिट लाइन, मतलब नेक्स्ट जो लाइन होगा वो इन्फिनिट लाइन है, मतलब उसका कोई तुम्हारा मतलब लेंथ का कोई मतलब वो नहीं, वो इन्फिनिट उसका लेंथ होगा इन्फिनिट, ठीक है। तो अभी इन्फिनिट जो लाइन बनेगा अभी कौन सा डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे वर्टिकल अलग अलग है, तो मुझे अगर हॉरिजॉन्टल में अगर इन्फिनिट लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अगर मुझे वर्टिकल में इन्फिनिट लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये वर्टिकल में बनेगा इन्फिनिट लाइन। और अगर मुझे बैंड करके बनाना है मतलब कुछ मतलब यहाँ पे देखो ये अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ और ये तुम्हारा क्या हो गया लाइन थ्रू टू मतलब ये तुम्हारा इन्फिनिट लाइन बनेगा, लेकिन इसका एक क्या होगा मतलब अलाइंड होगा, ठीक है। तो कितना कितना डिग्री अलाइंड होगा तुम यहाँ पे डिफाइन कर, जैसे मैंने बोल दिया कि 20 डिग्री अलाइन मुझे इन्फिनिट लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, जितना भी तुमको डिफाइन करना है तुम टाइप कर दो, तो देखो उतना डिग्री में ये क्या हो रहा है एक तरह से इन्फिनिट लाइन बनेगा। इन्फिनिट लाइन को डिलीट करना है तो तुम उसको इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइन तो इन्फिनिट है ना, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी इन्फिनिट लाइन को डिलीट करना है तो वहाँ पे राइट क्लिक करो और फिर इसके बाद डिलीट, लेकिन ये सब तुम्हारा इस तरह से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा हो गया ये क्या है, ये हो गया बाईटेंजेंट लाइन, मतलब इसके लिए तुम्हारे पास दो सर्कल होना पड़ेगा। तो मैं पहले दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और फिर मैंने और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये दो सर्कल हो चुका है। तो बाईटेंजेंट लाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और दोनों सर्कल का सरफेस को तुम क्लिक कर लो इस तरह से, तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा ये बाईटेंजेंट लाइन, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, लाइन बाइसेक्टिंग लाइन। तो बाइसेक्टिंग मतलब किसी भी दो लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे एक लाइन बनेगा। तो जैसे ये भी दो लाइन हो गया, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो बाइसेक्टिंग लाइन, मुझे ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है वहीं पे एक लाइन बनेगा, तो दिस इज बाइसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। तो चलो इन सबको हम लोग यहाँ से कर देते हैं डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट, राइट क्लिक करके इसको डिलीट और इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है यहाँ पे तुम्हारा, लाइन नॉर्मल टू कर्व। तो उसके लिए मेरे पास एक सर्कल होना पड़ेगा, मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करो, तो जब सर्कल का किसी भी सर्कल में किसी भी पॉइंट में क्लिक कर लो तो ये तुम्हारा एक लाइन बनेगा सर्कल के ऊपर में से, उसी को बोलते हैं लाइन नॉर्मल टू कर्व, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन ये वाला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, लाइन तो हो चुका है, उसके बाद लाइन के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ये हो गया तुम्हारा एक्सिस। मतलब ये एक्सिस, बस एक्सिस ड्रॉ करने के लिए कभी कभी हम लोग 3D में ड्रॉइंग करने के लिए हम लोग को रेफरेंस लाइन का जरूरत पड़ता है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल एक्सिस है, ठीक है। तो बाद में समझ में आएगा इसका यूज क्या, फिलहाल इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लास्ट एंड फाइनली क्या है यहाँ पे हो गया पॉइंट। तो पॉइंट का जो ये तुम्हारा ग्रुप है, इसको मैं बाहर से निकल के आता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और ये अगर तुमको पॉइंट ड्रॉ करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लो और ये तुम्हारा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लो और ये देखो तुम्हारा पॉइंट बन चुका है। अगर तुमको एक साथ मल्टीपल पॉइंट बनाना है तो तुमको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, तो देखो एक साथ मैं इस तरह से मल्टीपल पॉइंट बना पाऊंगा, ठीक है।
तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हो गया ये क्या आ रहा है, देखो ये पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट, मतलब यही बात हो रहा है, मतलब एक्स हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल का कितना डायरेक्शन में ये पॉइंट बनेगा, बस यहाँ पे क्लिक करो और हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस में और वर्टिकल में कितना डिस्टेंस में पॉइंट चाहिए, बस 20 एंड 30 में करता हूँ, ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे उस डायरेक्शन में उस डिस्टेंस में क्या बन चुका है, एक पॉइंट बन चुका है। नेक्स्ट क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ये हो गया इक्विडिस्टेंट पॉइंट। तो इसके लिए मेरे पास एक होना पड़ेगा लाइन, चलो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया ठीक है, और इसमें मुझे क्या करना है, कुछ पॉइंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे इक्विडिस्टेंट पॉइंट में क्लिक करूंगा और देखो इस लाइन में इक्वल, ये लाइन का टोटल डिस्टेंस में हर जो पॉइंट बन रहा है, हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में एक पॉइंट बन रहा है, और कितना पॉइंट चाहिए तुम यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ तो तुम चाहे तो यहाँ से पॉइंट को बढ़ा सकते हो, देखो यहाँ पे पॉइंट बढ़ चुका है, या तो तुम इसको कम भी कर सकते हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस में ये पॉइंट बन रहा है, ओके। तो ये हो गया इक्विडिस्टेंस पॉइंट। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब कहीं पे अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस इंटरसेक्टिंग पे, उस इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट पे क्या होगा, एक तुम्हारा पॉइंट बनेगा, मतलब इस पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पे एक पॉइंट बन चुका है इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्शन पॉइंट, इसके लिए तुम्हारे पास होना पड़ेगा सर्कल, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और प्रोजेक्शन पॉइंट में मैं क्लिक करूंगा, इसका मैं सेंटर पॉइंट में क्लिक करूंगा और सर्कल का किसी पॉइंट में क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट बन चुका है, ये हो गया प्रोजेक्शन पॉइंट, ठीक हो गया बात। एंड फाइनली दो तीन बातें मैं तुम लोग को यहाँ पे बोर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये तुम्हारा जो मॉडल एरिया है, इस वर्क एरिया है, इसको तुमको कैसे अलग अलग तरह का मूवमेंट आना है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल एंड यहाँ पे मैंने चलो एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ कर लिया। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर तुम इस तुम्हारा वर्क एरिया को अगर तुमको मूव करना है, तो तुम्हारा माउस का जो जो सेंटर जो मिडिल बटन है, मतलब जो व्हील है, व्हील को प्रेस करना है और इस तरह से तुम पूरा वर्क एरिया को मूव कर सकते हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पैन मूवमेंट, और यही पैन मूवमेंट तुम यहीं से भी कर सकते हो, ये होगा तुम्हारा पैन मूवमेंट के लिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी तुम्हारा वही होगा, वही पैन मूवमेंट होगा। अगर इसको तुमको जूम इन जूम आउट करना है, तो यहाँ से तुम जूम इन जूम आउट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये हो गया तुम्हारा जूम इन और ये हो गया तुम्हारा जूम आउट, लेकिन तुम ये काम माउस से भी कर सकते हो, कैसे करोगे, माउस का जो सेंट्रल बटन है मतलब व्हील बटन, उसको प्रेस कर लो, प्रेस रहने दो और उसके बाद राइट क्लिक कर लो और उसके बाद माउस को ऊपर की तरह नीचे की तरह घुमाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा जूम इन एंड जूम आउट, ठीक हो गया बात। उसके बाद समझ लो कि तुम्हारा स्क्रीन को तुमको नॉर्मल व्यू में लाना है, समझ लो मैंने स्क्रीन का, अच्छा यहाँ पे और एक चीज है, तुमको अगर इसको रोटेट करना है स्क्रीन को, ठीक है, और वर्क अगर तुमको रोटेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये तुमको माउस दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे और स्क्रीन में आके यहाँ पे तुम इस तरह से रोटेट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है ना, हाँ रोटेट कर सकते हो। उसके बाद अगर तुमको यहाँ से नॉर्मल व्यू में आना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये तुम्हारा पूरा नॉर्मल व्यू में आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे ये तुम्हारा फिट ऑल इन स्क्रीन, मतलब यहाँ पे तुम्हारा स्क्रीन में जो भी ड्रॉ है उसको फिट कर देगा एक ही एरिया में, मतलब अगर वहीं बाहर चला गया तो उसको सेंट्रल लॉक उसको फिट कर देगा, मतलब सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्लिक करो तो अगर कोई भी तुम्हारा ड्रॉइंग बाहर चला गया तो वहाँ पे स्क्रीन में वो फिट कर देगा, तो फिट ऑन स्क्रीन, तो दैट्स ऑल। तो और उसके बाद अगर तुमको यहाँ से स्केच से अगर बाहर जाना है, तो यहाँ पे तुम ये एग्जिट में क्लिक कर देना, एग्जिट वर्क बेंच, और यहाँ पे क्लिक कर देना, तुम स्केच से बाहर चले जाओगे, ठीक है। और फिर से अगर कोई भी तुमको अगर प्लान में जाकर ड्रॉ करना है, उस प्लान को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद फिर से यहाँ पे स्केच में क्लिक कर दो, और बाकी फिर से वही काम तुम यहाँ से जो मैंने बोला उसको तुम रिपीट कर सकते हो। तो इतना सारा बात है आज का, तुम लोग यहाँ पे ये सब पूरा प्रैक्टिस करो अभी।